बाबी मतलब शोबिस को हटा दो, बाबीज है ना बस, यही आपकी खास बात है. Well, obviously, it's a new journey. Everyone knows me as an actor. Now I'm turning into an anchor. और इस शो की यूनिक बात यह है कि आई थिंक बहुत सारे शोज नहीं बनते हैं जहाँ टेलीविजन एक्टर्स भी आते हैं, टेलीविजन सेलिब्रिटीज आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे. बिकॉज टीवी एक्टर्स ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग टुडे. एंड मेरे बहुत सारे खास दोस्त हैं जो इस शो पे आने वाले हैं, और हमने बहुत सारी मस्ती की है, गॉसिप किया है, फन गेम्स, तो वही खास बात. एक्चुअली मीडिया के सामने काफ़ी टाइम के बाद आई है, बट अदरवाइज वी आर ऑलवेज मीटिंग. हमारा कोई लंच होता है, किसी के घर पे पार्टी, सब, बिकॉज वी आर ऑलवेज कनेक्टेड नो मैटर व्हाट. मम्मी एक्चुअली आज नहीं आ पाएंगी क्योंकि शी इज़ अ लिटिल बिजी. वेल, खास तो ये है कि पहले एपिसोड में दिव्यांका विवेक है, बन सकता आई नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. वेल, ऑल्सो खास बात इस शो का ये है कि इनके गेस्ट जो हमारे फर्स्ट एपिसोड में, देयर इज दिव्यांका एंड विवेक, लाइक हु आर ऑल्सो द पब्लिक्स फेवरेट एंड एवरीबडी लव्स देयर जोड़ी. And there are many more names which I don't want to reveal because आपको शो देखना पड़ेगा. मैं सब कुछ यहाँ क्यों रिवील करूँ? Exactly. Well, सारे डायमंड्स लगे हुए हैं और सब चोरी करने वाले हम लोग, कान में नाक में लगा के हम सब बनाएंगे. Well, it's a powder blue gown by this designer called ANN Designers. और वो लोग ब्लैक में इंडिया फैशन वीक में भी शोकेस करते हैं. एंड आई बीन स्टाइल्ड बाय सुगंधा सूट एंड साबिया. ये एक्चुअली ड्रेस मैंने अपने बर्थडे के लिए लिया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये शोबिज विद वाबिज होने वाला है, मैंने सोचा हार्डवे जाए बर्थडे, मैं इसमें पहनने वाली हूँ. सो यप, दैट्स आई थिंक हर किसी का जिंदगी में यूएसपी होता है. वी ऑलरेडी सीन हर एज मैगी एंड शी इज टेकन द ऑडियंस बाय शॉक एंड सरप्राइज एंड लाव. शी वाज सो गुड एज मैगी. एंड वाबिस का ये खास बात है कि ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग बात बोलती है. सो दिस इज कम्प्लीटली अपर एली एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हर, वेरी हैप्पी. थैंक यू. विश क्या करो, शी इज ऑलरेडी She's already a star. Oh my God, I'm so flattered. I'm sure this show बहुत ज़्यादा मस्ती हो, मस्ती वाला होगा, because she is already a fun person. Naughty brat. और बहुत सारे ऐसे ऐसे हंसते लोग अपने सीक्रेट्स बता देंगे. That's her style. सारे सीक्रेट्स सबके बाहर आने वाले हैं और हंसते. Thank you so much. Showbiz with Vavish, जब पहली बार मैंने नाम सुना, इमीडिएटली मैंने वाबिस को बोला कि इससे अच्छा नाम कुछ हो ही नहीं सकता. यू नो दैट बिज कनेक्शन, शो बिज विथ वाबिस, इतना राइमिंग सुनने में अच्छा लगता है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि किसी ने ये इनिशिएटिव लिया. कॉफ़ी विद करण तो फिल्म स्टार्स के साथ होता है, टेलीविजन स्टार्स का क्या, तो शो बिज विद वाबिस, क्योंकि टेलीविजन इज नॉट अ स्मॉल मीडियम, बहुत ही बड़ा मीडियम है एंड वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग है. सो जो भी फैंस है, जो व्यूअर्स है टेलीविजन शोज़ के, उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो कहाँ जानेंगे वो, कहाँ से जानेंगे शोबिज़ विद वाबिस से. सो या, वेरी गुड इनिशिएटिव. या इवन आई वाज रियली एक्साइटेड व्हेन वाबिस शेयर्ड दिस न्यूज़, लाइक आई एम कमिंग अप विद अ चैट शो. सो आई वाज लाइक वाओ, सच अ यूनिक नेम, शोबिज़ विद वाबिस. सो आई वाज रियली एक्साइटेड. सो हैप्पी फॉर हर. बहुत ही सिंपल है एक्चुअली. मैं शूट से आई, मुझे जो वार्डरोब से मिला सिंपल कैजुअल पहन के आ गई. देन आई थॉट कि हाँ कुछ ग्लिटरी और ब्लिंगी होना चाहिए. सो आई एम वेयरिंग माय मैं ज़ारा का जैकेट पहन रहा हूँ. और बाकी मैं स्टाइलिंग के बारे में यही सोचना है मेरा कि जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ एंड इफ आई लुक गुड मैं पहन लेता हूँ. ऑल द बेस्ट वाविज एंड पंकित, यू गाइज हैव टेकन अ ग्रेट इनिशिएटिव. आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड वी लव यू वाविज. बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब तक इंडियन टेलीविजन एक्टर्स और स्टार्स के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा कोई चैट शो नहीं आया है. तो आई एम रियली हैप्पी कि वाबिस और पंकित ने ऐसा कुछ दर्शकों के लिए लेके आए हैं, हम लोग के लिए लेके आए हैं. हमें एटलीस्ट चांस तो मिलता है हैम्पर जीतने का, होपफुली वन डे. कल रात को ही हमने इनके साथ एपिसोड शूट किया, और इनफैक्ट खुशहाल और मैंने इनके साथ पायलट एपिसोड शूट किया. इतना ख़राब था कि कभी दिखाने नहीं वाले, तो उन्होंने बोला कि आप अपने बीवी के साथ वापस आ जाना, होपफुली दैट विल बी अ बेटर शो. एंड इट वाज, सो दैट्स व्हाट वी डिड यस्टरडे. देखिए, वाबिस एज अ पर्सनैलिटी इज़ अ वेरी एक्साइटिंग, वेरी हैप्पी, वेरी वार्म पर्सनैलिटी, और वही वो शो को लेके आती है ना. गेस्ट एवरी वन हु वॉज देयर, मेघा, माई सेल्फ, खुशहाल ऑल्सो, वी फेल्ट वेरी वार्म एंड वेलकम.
एंड ये कोई ऐसा वो कॉन्ट्रोवर्शियल वाला शो नहीं है जहाँ पे होस्ट इज लुकिंग टू गेट सम कॉन्ट्रोवर्सी आउट. इट इज़ जस्ट अ वेरी फन एंड हैप्पी शो. तो यू गाइस विल रियली एंजॉय इट. प्लीज़ प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. क्या खास, मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ, यही खास बात है मेरे लिए. व्हाट आर योर क्लोथ्स? देखिए आज तो मेरी पत्नी ने मेरे लिए ये पैंट्स खरीदे, काफ़ी अच्छे थे, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. और साथ ही में शी बॉट मी दीज वेरी स्पेशल कफलिंग्स विच इज़ बेकन एंड एग्स, माई फेवरेट ब्रेकफस्ट. और सिर्फ बेकन एंड एग्स ही नहीं, बट ये अगर आप यहाँ पे जूम इन करके देखेंगे तो इट्स गॉट माई इनिशियल्स ओवर देयर इज़ वेल एंड मेघाज इनिशियल्स ओवर हियर इज़ वेल. माई अटायर यार, इट्स अ लॉट ऑफ मिक्स एंड मैच टुडे. ये मैंने लिए थे ड्यून से, ये स्कर्ट ली थी लंदन से, ये लिंकिंग रोड से, ये किसी फ्री मार्केट से, और माई क्लच इज 9 West. सो बहुत मिक्स एंड मैच. और ये जो आपका मेन एक्सेसरी है, ये भी लंदन से आए हैं. लंदन से आना सीधा गोल्फ कोर्स, लंदन के फिरंग पति. बाबीज को ऑल द बेस्ट यार. शी ऑल द बेस्ट. शी डजंट रियली नीड इट बिकॉज शी इज गॉट अ श्योर शॉट शो हियर. इट्स डेफिनेटली गोइंग टू डू वेल, बट ऑल द बेस्ट टू हर. Babis, you are amazing. You are warm. You are lovely, and these are the qualities that you bring to the show. You're unique, and this show therefore is unique because of you. See, Babis has started. That means ये interesting होने वाला है, बहुत ज़्यादा interesting होने वाला है. और Babis, she is very inspiring. She's amazing girl. तो ये जो भी करती है, हम लोग सब साथ में आते हैं. We support her because first of all, she's very good by heart. First, and I don't know how this woman just does something out of the box every time, and it just surprises me. So we've come here to congratulate her, and we've come here to be her support. Oh, thank you. I mean, I like the anti-fit clothes. So this time I have supported this label called Chola. So I just like it. I like fashion with comfort, you see. I'm very excited. In fact, the minute we walked in from the darwaza, and I'm like, oh hi, is it okay? Babis ko milne se pehle kam se kam hum 10 logon ko mile. So it's nice to see ki sab friends ek saath mile and ek dusre ko support kare. So it's really amazing. Babis ko, she has all my wishes and good luck, and I love her. I think television mein aisa koi show nahi tha jahan par aap one on one ek TV actor ke saath interact kar sako, jaise ki कॉफ़ी करण आता है, यू नो सो मेनी शोज. सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया. फैंस को भी यू नो एक आर्टिस्ट का रियल साइड देखने मिलेगा, एंड ऑल्सो यू नो बिकॉज वाबिस इज़ अ फ्रेंड, एंड यू नो एक फैमिली का माहौल हो जाता है, एंड व्हेन द इंटरव्यू इज़ हैपनिंग यू वेरी नेचुरल. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट. आई एम वेयरिंग अ ब्लैक जंप सूट. बहुत ज़्यादा फॉर्मल इवेंट नहीं था, सो आई केप्ट जस्ट सेमी फॉर्मल. And I picked this. I would like to wish Pankit and Babis all the very best. It looks like a fab show, and I'm sure you guys are going to kill it. I think yaar bahut exciting hai kuch, and jo first episode hum yahan par dekh rahe hain, I think it's very cool. Babis is a fantastic person, to wo bahut achhi host bhi hogi. एंड क्या पता शायद हमको भी बुलाएगी शो पे. आई एम श्योर आज नहीं तो कल हमको भी फ़ोन आएगा कि कम एंड डू वन एपिसोड विद मी, बिकॉज इट लुक्स वेरी नाइस. बहुत अच्छे से प्रोडक्शन वैल्यू भी है, वहाँ भी खूबसूरत लग रही है, और जितने भी वहाँ पे लोग बैठने वाले गेस्ट जो भी होंगे, दे आर गोइंग टू बी ऑल टीवी स्टार्स, दे आर गोइंग टू बी फेमस, एंड इट विल बी वेरी नाइस. या एग्जैक्टली. आई थिंक यार टीवी एक्टर्स को बाहर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी जितने हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं उतने ही फेमस होते हैं, एंड आई एम श्योर कि जितने फैंस हैं दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट देम, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट. हाँ मतलब मुझे जो लोगोज होते हैं टी शर्ट पर लिखे हुए मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो इफ़ आई सी समथिंग नाइस आई पिक इट अप. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं फेयरलेस हूँ, पर ऐसे लोगों को उल्लू बनाता हूँ. वाबिस को यही कहेंगे कि बेस्ट ऑफ लक, एंड बस वो जो भी करती है वो चल जाता है, हिट हो जाता है. आई थिंक शी इज़ वेरी लकी, एंड होपफुली उसका लक इस शो पर भी छा जाएगा. डेफिनेटली. मैं वाबिस को यही बोल रही थी कि दिस विल बी द फर्स्ट चैट शो वेयर शी विल इनवाइट पीपल ऑन अ शो एंड ओनली शी विल टॉक, एंड द गेस्ट विल बी लाइक आई थॉट वी हैड टू से समथिंग. सो मुझे लग रहा है ऐसे ही कुछ होने वाला है.
आई थिंक वाबीज के लिए पनिशमेंट होने वाला ये चैट शो, बिकॉज उसको लोगों को क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे और फिर उसे चुप रहना पड़ेगा और रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा कि ओ हैव टू बी क्वाइट नाउ क्योंकि अभी इनकी बारी है क्योंकि ये मेरे गेस्ट हैं. एंड देन वाबीज विल नो व्हाट वी फील लाइक व्हेन वी आर विद हर, बिकॉज़ व्हेन आवर पीपल विल बी टॉकिंग शी विल बी लाइक ओ माय गॉड नाउ फिनिश. दो एपिसोड के बाद बोलेगी प्लीज लेट्स नॉट डू ऑल दिस, लेट देम ऑल ऑफ देम कम एंड इंटरव्यू मी. सिर मैं बोलूंगी. नहीं नहीं वाबीज कहीं पे भी बात कर सकती है, घर, चैट शो, कॉफी शॉप, नींद में भी बात करती होगी फॉर ऑल यू. एग्जैक्टली. बट अंदर सोच रही हूं कि क्या क्या पहना है, मैच नहीं हो रहा है. जब मैं इंडोनेशिया गई थी तो एक फैन ने मुझे ये गिफ्ट किया एंड आई थिंक इट्स सच अ प्रीटी ड्रेस, सो थैंक यू. आई वांट टू से थैंक यू क्योंकि जब जब मुझे कुछ गिफ्ट मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहनूँ ताकि वो देखे और खुश हो जाए. सो सम वे विल बी लुकिंग एट मी, सो दैट्स इट. इट वॉजन दैट हार्ड, आई जस्ट वॉर इट विदाउट आयरनिंग इट बिकॉज इट डजंट नीड इट. Nothing, I'm just wearing a normal, simple cotton dress. जो मैंने दर्शन को गिफ्ट किया. बेबी और ऐसे गिफ्ट कर दीजा मुझे, प्लीज. बाबी अपना कोई ना पोल खोलेगी. पर हम खोलेंगे. हम खोलेंगे. हाँ खोलेंगे खोलेंगे बहुत सारे पोल. एक्चुअली कुछ ज्यादा पोल है नहीं, बस यही है. सब लोग यही कहेंगे कि वाबीज ये वाबीज ने ये कहा था, वाबीज ने वो कहा था, क्योंकि वाबीज कहती है. But I do have to mention, I mean, we do have to congratulate both of them. So congratulations, y'all are right here. It's weird saying it here. And Babis and Pankit, dono actually, itne, they're looking so good. They're looking like bride and groom today. I swear. Yeah, different bride and different groom. But they're so well dressed and they're looking so good. Congratulations. Yes, please, all the best. And I hope ye talk show se kuch aur gossip mile hame, thoda aur entertainment ho hamara. So wish them all the very best. Thank you.